देहरा में बनने वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल भाजपा के दो भागों के बीच पिसता हुआ नजर आ रहा है। एक ओर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर इस विश्वविद्यालय को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मानकर चल रहे हैं और दूसरी ओर प्रदेश सरकार इस रास्ते में रोड़े अटकाती नजर आ रही है। प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर ने एक साझा मंच से जिस प्रकार के वक्तव्य दिए हैं उससे तो यही उजागर होता है। ये बात हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर विजय डोगरा ने शुक्रवार को जारी बयान में कही। डॉक्टर डोगरा ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से कांगड़ा के अलावा हिमाचल के अन्य जिलों के लोगों के साथ साथ देश के हजारों नौजवानों को लाभ मिलना है, लेकिन प्रदेश सरकार भूमि के हस्तांतरण को लेकर बार बार रोड़े अटका रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार की भूमि निर्माण में कितनी दिलचस्पी है इसका अंदाजा राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के बयान से हो जाता है। राज्य के राजस्व मंत्री का ये कहना है कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, दिखाता है कि प्रदेश सरकार बीबी के निर्माण के प्रति कितनी गंभीर है। डॉक्टर डोगरा ने कहा कि सांझा मंच पर सांसद अनुराग ठाकुर ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी है उससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा में अंदर खाते सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जो आरोप प्रत्यारोप की जो बात है ये बिल्कुल सत्य है, और आज जिस केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर वहाँ की बहस हुई है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब गुटबाजी में मुखर है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस पर जो आरोप लगाती है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में न गुटबाजी थी, न गुटबाजी है, न गुटबाजी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के लोग एकजुट हैं। हमें 2022 का चुनाव लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये तो डबल इंजन की सरकार है, और ये जो डबल इंजन की सरकार है मुझे तो लगता है कि अब इसमें डबल इंजन नहीं, इसमें बहुत से इंजन हैं, और उसका ड्राइवर कौन है वो समझ नहीं आता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कुछ और बात कहते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री कुछ और बात कहते हैं। और आज जिस हिसाब से केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री जी ने वहाँ बात करी है केंद्रीय विश्वविद्यालय के मामले को लेकर, वहाँ राजस्व मंत्री ये कहते हैं कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि वो ज़मीन ट्रांसफ़र हुई कि नहीं। ये वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है जब यूपीए की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में केंद्र में चल रही थी, उन्होंने हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था, और धर्मशाला में इसका मुख्यालय खोला गया और शाहपुर में इसकी क्लासेज चल रही, और उस समय प्रदेश में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रेम कुमार धूमल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय जो फैसला लिया गया उस फैसले के विरुद्ध ही इनके अपने ही सांसद हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज कई धड़ों में बंटी है और गुटबाजी का शिकार है। और ये लोग, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, ये कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, ये तो सिर्फ एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम करते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि आज जिस केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर ये बातें कर रहे हैं, 10 साल में 2010 का प्रोजेक्ट हो और 10 साल में ये प्रोजेक्ट खड़ा नहीं कर पाए, उसके लिए कभी ये भूमि चयन की बात करते हैं, कभी भूमि बदलाव की बात करते हैं, कभी फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात करते हैं, लेकिन प्रदेश के राजस्व मंत्री ये कहते हैं कि हमें जानकारी तक नहीं, और अब दूसरे दिन ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने आदेश कर दिए कि भूमि ट्रांसफ़र कर दी जाए केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम। मुझे ऐसे लगता है कि आज ये जो सरकार है, सरकार पूर्ण रूप से विफल है, सरकार फेल हो चुकी है, और प्रदेश में जो विकासात्मक कार्य हैं वो सिर्फ इनकी जो नोक झोंक है, ना केंद्र और प्रदेश में सामंजस्य है और ना ही ये सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ सहयोगी अनुवाला की रिपोर्ट।